RC sir, we can start. We'll start in 1 minute. So, good afternoon, everyone. Today, the 7th of October 2020, I, Himanshu Thakkar, Professor Physics with IIT Ashram, extend a very warm and hearty welcome to all of you. On behalf of the IIT Ashram team, and especially our director, Professor Mishra, I would like to welcome the principal of this school, Mr. N.M. Barmar, and all the school coordinators and students who are present in today's webinar to this session, which I hope will be very enlightening and productive for all the students. I'll give a very brief idea about IIT Ashram, that Mishra sir's vision and dedication for the institute was such that he always kept the interest of the students in mind. Whenever he designed a course or he did any activity, it was always keeping in mind that every student should get an opportunity to decide his stream or his career in a proper way. And he always kept in mind that he is preparing global citizens. So now, because of the team of IIT Ashram and because of the management of school, we are delighted that it is now possible for us to discuss and interact the various aspects of goal setting and career. So I again extend a very warm welcome to all the students and parents for this webinar. So this webinar is divided into three sections. In the first section, we'll be discussing about what a career is, what is the definition of goal, and what is the importance of goal setting in one's career building. In the second part of this webinar, we'll discuss about 5+1 bonus. करेंगे, फिर उस थर्ड पॉइंट आएगा आप कॉलेज जाएंगे, फोर्थ पॉइंट आएगा आप पहली जॉब करेंगे, फिफ्थ पॉइंट ऐसा आएगा कि आप और दूसरी जॉब करेंगे. तो ऐसे आपकी जो लाइफ है ये आगे 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 इस तरीके से जाएगी. तो करियर क्या है जो एकदम लास्ट पॉइंट में आपका होना चाहिए, यानी जो आपने आपका सोच के रखा हुआ है कि फाइनली मुझे ये बनना है मेरी जिंदगी में, आप इस बात को याद रखिएगा. तो कैरियर इज ऑल अबाउट जो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रेजेंटेशन, अगली स्लाइड के ऊपर, और देखते हैं कैरियर कैसे आप जब चूज करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं. जैसे आप पहले गोल सेट करते हैं कैरियर के लिए कि मुझे इस रास्ते में जाना है, पहले तो पसंद होना चाहिए का, जैसे आपको इंटरेस्ट है जिन चीजों में उनके लिए आपको फिर कोशिश करनी है कि एक रास्ता चुनना है कि अब इस रास्ते से आगे बढ़ना है मुझे, तो विजन चाहिए उसके लिए, स्किल्स चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और एजुकेशन यानी उस बारे में पढ़ाई होनी चाहिए आपकी. तो पहले वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ कि करियर को लेके आपके अगले क्या स्टेप होंगे. मेजर एक्टिविटी इन लाइफ लव टू डू, यानी आप जो करें वो आपको पसंद होना चाहिए. ये सबसे पहली बात ये है कि आप जो भी काम करें वो आपको अच्छा लगना चाहिए. फिर दूसरा पॉइंट है पैशनेट अबाउट, आप उसके लिए तैयार हों करने के लिए कभी भी, या आपसे बोला जाए आपको ये ना लगे अरे बस अभी ये करना है, या आप सुबह सुबह जब कभी भी ऑफिस जाते हैं, सपोज दैट आगे चल के आप जब ऑफिस जाएंगे तो आपको ये ना लगे अरे आज ऑफिस जाना है, आज फिर वही मंडे से फ्राइडे सैटरडे तक की जॉब होगी मेरी, ऐसा ना हो. तो करियर कुछ ऐसा हो जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको रोज रोज जाने का पैशन हो, आपको कुछ करने का मन करे. तो ये चीजों पे ध्यान देना है आपको, उन चीजों को कैरियर बनाना है आपको. तो इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा आप लोग जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, यानी आपको जो पसंद हो और जो आप करने के लिए बिल्कुल तैयार हो हर एक समय पे, और आप उससे जी सकते हैं, मतलब आपको जीने का और ज्यादा अच्छा लगता हो उन चीजों के लिए, मतलब वो करने का और ज्यादा मन करे, तो वो है इरिस्पेक्टिव ऑफ सैलरी ऑफ जॉब.
जैसे अब सबके अपने अपने मोटिव होते हैं, वो सारी बातें आपको जब आप थोड़े थोड़े से और जब बड़े होंगे तो आपको और पता चलेगा कि क्या और चीजें भी होती हैं। तो चलिए, मैंने जो इस स्लाइड में बताया वो ये बताया कि मेन चीज पे ध्यान देना। नेक्स्ट आपके लिए आता है, नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी, कि पर्पसफुल करियर बनाना है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा सोच लिया जो आप अचीव ना कर पाए, या आपने ऐसा कोई पॉइंट सोच लिया या ऐसा कोई चीज सोच ली जो आप आपके लिमिटेशंस के भी बाहर हो। थोड़ा उन चीजों का भी ध्यान देना है आपको। पर्टिकुलर स्ट्रीम, या आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है और उन चीजों के बारे में सोचना है। थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, यानी आपको बेटा जैसे आपको कोई आपने करियर डिसाइड किया, जैसे आपको इंजीनियरिंग जाना है, आपको मेडिकल जाना है, आपको IAS बनना है, आपको कोई और अच्छा प्रोफेशन जैसे आपको करना है, तो अब आप उसके लिए स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा, आपको उसी चीजों के बारे में सीखना पड़ेगा। फिर क्या है फोर्थ पॉइंट, एक्वायर स्किल, आपको उन चीजों के लिए नए नए कोर्सेस सीखने हैं, उससे जुड़े हुए जो भी चीजें हैं वो आपको सीखनी है। सर्टिफिकेशन, आपको उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, क्वालिफिकेशन, यानी उसके लिए आपको और पढ़ाई करनी होगी। तो आपको ये बातों पर ध्यान देना है कि वो पर्पसफुल हो करियर आपका किसी चीज को। सक्सेस सूत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखिए, हर एक चीज, जैसे आप सपना देखते हैं कोई, और कहीं वो सपना ऐसा ही ना हो कि बस वो सपना ही देखते हैं आप केवल उसके लिए, कि हर रात ये सोचते हैं कि यार ये बनना है मुझे अपनी लाइफ में, और बस सोचते ही हैं उसके लिए, करते कुछ नहीं है। तो ये मेन बात है कि सोचना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए सक्सेस सूत्र क्या होगा, सूत्र मतलब सक्सेस कैसे आप उसको पा सकते हो। तो आप याद रखिए कि लॉन्ग टर्म एक्वायर ऑफ स्किल, आप किस, देखिए यहाँ पर हर बात वही बात फिर से आ गई, स्किल। स्किल मतलब आपको कुछ सीखना है, जैसे आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पढ़ाई में उन पॉइंट्स पर ध्यान देना है जो आपको वहां तक लेकर जाएं। तो ये बात याद रखिए कि जिस पॉइंट पर आप ध्यान रख रहे हैं उसके लिए आप स्किल अचीव करते रहिए, जितनी भी स्किल्स हो सकती हैं, आपको जो भी उनके बारे में सीखना है। आपको अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर से जुड़ी हुई चीजों को आपको देखना है और सुनना है। चाहे आप अभी से थोड़ा थोड़ा एक नोटबुक बनाइए, उसमें आप अपनी पसंद जो भी है आप उसको नोट करिए। सबसे बड़ी बात यह होती है, आप अभी 9th-10th में हो और आपसे हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि करियर की, तो आप एक काम करिए, आपको जो पसंद हो एक नोटबुक लीजिए, उसमें एक पेज पे लिखना चालू करिए कि मुझे ये काम पसंद है। और अभी सर आपको ST सर दिखाएंगे, बहुत बढ़िया टेक्निक्स दिखाएंगे आपको कि उनमें से शॉर्टलिस्ट कैसे करना है आपको। तो खैर, मैं गोल के बारे में आपको बताता हूँ। गोल जैसे कि एक रास्ता है, आप चार रास्ते पे खड़े हो और आपको ये सोचना है कि यार इधर जाए कि इधर जाए कि इधर जाए। तो अब देखना उसके बारे में क्या होगा। सपोज आपने डिसाइड तो कर लिया, अब डिसाइड करा है कि मैंने ये करा है, ये मैंने करियर में ये करना है आगे चल के। अब उस रास्ते में आगे जाने के लिए आपको किस रास्ते को चुनना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जो है ST सर भी समझाएंगे। और मैं आपको एक और स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसमें एक बहुत बढ़िया सी चीज दिखाई जाएगी फोकस होने के लिए। याद रखिएगा, गोल बनाना है, गोल मतलब फोकस करना है उस चीज पे कि बस अगर मैंने ये सोचा है मेरी लाइफ में और मैं ये आने वाले 25 साल बाद, या मतलब कि मेरी उम्र जब 25 या 30 की होगी तब मैं अपनी लाइफ में ये बनना चाहता हूँ, और उसके लिए आपको अभी से सोचना पड़ेगा, एक फोकस बनाना पड़ेगा। देखिए, बिना करियर के या बिना गोल के हमारा जीवन तो मेरे हिसाब से तो आपको लगेगा कई लोगों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, और वो लास्ट पॉइंट पे सोचते हैं कि अरे जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे नहीं करना था। तो ये गलती आपसे शुरुआत से ना हो जाए कहीं, इन चीजों को ध्यान देना है। और कुछ बच्चे छोटे मोटे चीजों को, मतलब हाँ पैशनेट रहना है हर एक चीज के लिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है कैरियर के लिए तो आप उधर को डाइवर्ट हो रहे हैं। तो आपको फोकस रहना है, जिन चीजों पर आपने विचार किया है अब उसी पॉइंट पर। देखो जैसे ये कैसे लेंस किसी एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से उस चीज पर ही ध्यान देना है जो आपने सोचा है। ठीक है बेटा, तो ये बातें करियर के लिए रही। अब अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आजकल, मोबाइल फोन से। अभी तक बच्चे जो गेम खेल रहे थे PUBG वगैरह या और दूसरे मोबाइल गेम, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसको चलाने के लिए आपके पेरेंट्स को बोलना नहीं पड़ेगा, ये आप बिल्कुल याद रखिए। एक बच्चे को कभी नहीं बोलना पड़ता है कि बेटा गेम खेल लो, वो खेलने के लिए तैयार है हमेशा, लेकिन अगर उससे कहा जाए पढ़ाई के लिए या कुछ और चीजों के लिए तो फिर वो चीजों से दूर भागता है।
तो ये डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको मेन चीजों से दूर लेके जा रहे हैं। तो बेटा इनसे थोड़ा बच के रहना है आपको, और थोड़ा संभलना है आपके गोल से, आपके करियर से आपको अवॉइड करेंगे। देखिए स्मार्टली काम करना है, स्मार्टली मतलब आपको वहां पर स्पेसिफिक जैसे टाइम टेबल पे ध्यान देना है, आपके रिविजन पे ध्यान देना है आपको, और ऐसा अचीवेबल गोल बनाइए। देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पे है अचीवेबल, कि आप जो सोच रहे हैं करने के लिए वो उस रेंज पे हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा। थर्ड देखिए आर, देखिए रियलिस्टिक मतलब है कि वो आपके वर्चुअल, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने ऐसा कुछ सोच लिया कि हम ये तो कर लेंगे और उसके बाद वो हो ही ना पाया रियल दुनिया में आपके हिसाब से। और दूसरी बात टाइमली, आपने ऐसा सोचा है कि मैं 30 साल की उम्र में ये करना चाहता हूँ, अब उसको अचीव करते करते कहीं 50 साल ना लग जाए आपको, तो ये भी ऐसा नहीं सोचना है आपको। तो डिफाइन गोल को करना है आपको, ऐसा बनाना है कि स्मार्टली हो, जो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइमली अचीव किया जाए। तो इन बातों पर बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है ना तो ये पॉइंट्स लिखिए अपने अपने एक वॉल पे, बड़ा सा पोस्टर बनाइए, एक चार्ट पेपर लिखिए और ये सारे पॉइंट्स उसमें लिख दीजिए। और उसके बाद आप अपने गोल के जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे चल के, आपने मान लीजिए कोई गोल डिसाइड किया, अब उनमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना वो इसमें लिखते जाओ कि भाई मुझे इतना टाइम लगेगा इसको करने में, रियलिस्टिक है ये इतने तक ये कर सकता हूं मैं, अचीवेबल है हाँ इतना करेंगे तो ये अचीव हो जाएगा। तो ये एक तरीके का सिस्टम बनाइए आप लोग और जरूर ये आपका हो जाएगा उसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यानी ये तो एक जस्ट मोटिवेशनल बात है कि गोल के बिना हम जब भी कोई प्लान बनाते हैं, यानी हमने अगर कुछ भी किया, अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश। भाई हमने सोच लिया कि हमको ये करना है, जैसे हमने सोच लिया कि हमको BMW खरीदनी है, तो बस सोच ही लिया ना हमने केवल कि BMW ऐसे तो आनी चाहिए कि BMW, या दुकान वाले से जाके बोलोगे मुझे BMW दे दो, क्या वो दे देगा आपको? कोई नहीं देने वाला। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विश जो आपने ऐसे तो कोई इच्छा कोई भी कर लेता है, कोई भी इच्छा कर लेगा ना। अब करियर तो ऐसे चीज है नहीं कि गोल के जैसा आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बन जाओगे आप ऐसे ही आराम से, ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे ऐसे 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 ये सब चीजों पे ध्यान देना है। तो ठीक है बेटा, आगे की स्लाइड में अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन को आप ध्यान से सुनना जो ST सर समझाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। और मैं यहाँ से अपना सेशन वाइंड अप कर रहा हूँ, और सर ST सर प्लीज सर, थैंक यू सर। यस स्टूडेंट्स, तो VT सर ने आपको बताया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन वंस लाइफ। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन गोल सेट करने, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर से फर्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। देखिए लेट अस से आप अभी 9th या 10th स्टैंडर्ड में, एंड यू हैव एन एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, आप IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या आप क्लासिकल डांसर बनना चाहते हैं, तो मे बी 15-20 ईयर्स की जो आपकी जर्नी है, सो दैट यू बिकम अकॉम्प्लिश्ड इन दैट प्रोफेशन, आपको कुछ माइलस्टोन्स को बीच बीच में कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम एकेडेमिक लाइन के लिए सोच रहे हैं, तो एकेडेमिक लाइन के लिए आपको फर्स्ट माइलस्टोन है कि 10th क्लियर करना है अच्छे स्कोर से, सेकंड माइलस्टोन है कि आपको 12th में अच्छा रैंक लेके आना है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो आपको आपके डिफरेंट माइलस्टोन्स, डिफरेंट गोल्स इन बिटवीन सेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने अगर गोल सेटिंग प्रॉपरली की है, बहुत स्मार्टली की है, क्लियरली डिफाइंड गोल सेट किए हुए हैं आपने, तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपके लाइफ के लिए आती है, यू आर इन 9th and 10th, कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए विच मैचेस योर इंटरेस्ट, विच इज समथिंग विच इज यू आर रियली कीन ऑन डूइंग, आपको बहुत इंटरेस्ट उसके अंदर आता है, तो वो डिसाइड आप कैसे करेंगे। सो वॉट वी हैव डन इज दैट टू गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ वॉट 3 streams I have to offer in the present situation of 2020. If you are looking at any science stream, so science stream mein you can think of becoming a software developer, a computer science
ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट यूजुअली यू कैन ऑल्सो गेट इन टू डेटा साइंस. डेटा साइंसेज आर टॉप लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर इन आप यूजर का स्टेटिस्टिकल डेटा यूज करके कुछ एनालिसिस करके यू डिसाइड ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यू डिजाइन समथिंग. तो ये इससे भी बेटर है. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ दिस इज हाई इन डिमांड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेटा साइंस. मशीन लर्निंग इज कंबाइनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्ट कंबाइनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मशीन. मशीन एक्चुअली रॉ फॉर्म में तो इट डज नॉट डू एनीथिंग. यू हैव टू हैव an algorithm written so that it can understand the various inputs which it receives, and based on it, it learns something, and then in future it can behave according to the user requirement. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, artificial intelligence. तो artificial intelligence के लिए machine learning का एक नया branch अभी recently start हुआ है, उसमें आप अपना career बनाने का सोच सकते हैं. Game development, everybody knows. So everybody loves to play games, but designing a game is altogether a different thing. यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे tools, ऐसे visualization, ऐसे effects use करने हैं so that it becomes addictive to the user. तो आप game development करने का भी सोच सकते हैं. You can also think of getting into cyber security. Cyber security is the interface between the online user and the online service provider. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में आपने आपका अकाउंट खोला है, बैंक आप इंटरनेट के ऊपर बैंकिंग कर सकते हैं. सो योर पर्सनल डेटा इज स्टोर्ड इन देयर सर्वर्स एंड इट शुड नॉट बी हैक्ड बाय समबडी हु कैन विड्रॉ द मनी और कैन गेट एक्सेस टू योर पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो उसके लिए देयर इज अ एंटायर सेट ऑफ साइंस विद इन योर डेटा इज नॉट लॉस्ट. It does not go into the hands of people who can play with it. And your personal life and your personal data and maybe your financial situation could be affected by it. So cyber security is also a coming up field. Technical writer are those people who help organization design their technical brochures, design their technical documents so that all the students, all the members of the company who are involved in that project, they come on the same page and they understand what is being expected from that particular project or that particular document. ठीक है, तो उसके लिए technical writer बन सकते हैं. So these are the people who are very proficient in that field. Technical documents for an automobile company. Is that clear? Okay. Then in the science, you also have conventional product manufacturing, wherein products are getting manufactured in industrial setup in large quantities. Like, let's say you want to design, you want to purchase a car, so you go to a showroom. Those cars are coming from some industrial setup. वहाँ पे bulk में 1,000 cars every day or maybe 5,000 cars every day. तो उसका जो पूरा असेंबली लाइन है मैन्युफैक्चरिंग की, कहाँ पे टायर असेंबल होंगे, कहाँ पे इंजन असेंबल होगा, कहाँ पे बैटरी अटैच होगी, दैट एंटायर थिंग इज टेकन केयर ऑफ इन द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग. यू हैव टू डू इंजीनियरिंग इन दैट केस, एंड इंजीनियरिंग कुड बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग. क्यों बाहर निकला जाए? So I request students to keep muted. Then the next thing is product designing, wherein you design new products based on the requirement of the company. So let's say in this example, you see that you have an assignment to design a car seat. So you have to think in terms of the weight of the product, the heat of it. Farhan, Sheikh and can you keep yourself muted, please, beta? Okay. तो आपको कार सी डिजाइन करनी है अगर,
ठीक है ना। तो कार्ड सीट के लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा पॉलीमरिक मटेरियल यूज करना है, कौन सा कंपोजिट मटेरियल यूज करना है, फैब्रिक या लेदर यूज करना है, फोम किस मटेरियल का होना चाहिए, उसके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए, सिटिंग पोस्चर प्रॉपर रहे उसके लिए कैसी डिजाइन होनी चाहिए। तो ऑल दी टेकन केयर ऑफ बाय प्रोडक्ट डिजाइनर। People who have creative bent of mind, they can think three-dimensionally, and also they have product knowledge in terms of their engineering background. ठीक है, तो ये हमने अभी बात की कि साइंस में कौन कौन से स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन से करियर्स हैं जो आप चूज कर सकते हैं। Then next step is to decide on what are the available career options in commerce. तो let's say आपने 10th के बाद में commerce decide किया, you can think of becoming a chartered accountant. ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सोच सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है? He is the person who takes care of the financial decisions of the company. मतलब कितना टैक्स भरना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो पर्सनल लेवल पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लाइक फॉर सैलरीड पीपल दे हैव टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसके लिए वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड बिग बिग कंपनीज दे मैनेज देयर फाइनेंसेस, they allocate their financial resources in various sectors, various segments. तो वहाँ पे chartered accountant का use आता है. So it's a very one of the best field in commerce that you can choose. Financial consultant are those people who manage your money. They give you insights about which financial instruments you should save your money. आप fixed deposit में कितना percent आपको save करना चाहिए? आपको शेयर्स में, इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर आप कितना कितना किस परसेंट में आपको एलोकेट करना चाहिए, कितने टाइमलाइन के लिए करना चाहिए, सो दैट योर मनी ग्रोज, इट इज नॉट सीटेड आइडियली इन योर बैंक अकाउंट। Okay, so next is that you can think of becoming a statistician. So statistician are people who do a lot of data analysis. They have large chunk of data available that they receive from various sources. So here you can see that this person is looking at the various which a particular product can be designed. Okay, तो आपके पास काफी सारा database है, उस database को use करके आपको analysis करना है. And then you have to decide which stream will be best for you, which product in future will be best for you, which decision should be taken now so that after 6 months or 3 months or maybe 2 years you have increase in your sales. So data analyst ये सब job करते हैं, ठीक है ना? जैसे for simple example, you must have seen the report published publicly after every 2-3 months by big consultancy companies like McKinsey and Bain, PricewaterhouseCoopers. So what they do is they do a lot of data analysis based on the data that they receive from industry. They collate all that data and then they suggest that in future there will be high demand of this product or there will be high demand of this technology. So based on that, industry leaders, they take a call and they start providing services in that area, or they start a manufacturing facility to cater to the requirement in future. Okay, so commerce ke andar ab this is a very good field that you can think of becoming a statistician or data analyst. Then banking professionals is very common sense thing, wherein you manage the money of the person who comes and gives the money to the bank. आपके उसके मनी को सेफ गार्ड करना है। पीपल कैन कम टू स्टोर सेव देयर मनी इन नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट और इन अ करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पस, और मे बी दे कैन बैंक सम मनी, पुट सम मनी, पार्क सम मनी इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ओके, जयमित सिंह चौहान, यस सर, एनी डाउट? Okay.
So then there is investment banking, stock broking. So in commerce also, there are plethora of options that you can choose from. In arts, you can think of becoming, the best thing that you can think of becoming is a civil servant. Civil servant are, civil services mein aap kya kya option hai? You can become an IAS officer, you can become an IPS officer, or maybe you can think of becoming a IFS or IOFS, Indian Ordnance Factory Services, aap join kar sakte hain. Theek hai, the next line that is available in arts is that you can join defense services. Defense services aap technical side se bhi join kar sakte hain aur aap arts se bhi join kar sakte hain. You have to give NDA and SSB examinations. Okay, you can think of becoming a corporate lawyer or a criminal lawyer. Maybe you can join a stream of journalists. Journalists are the people who interview a lot of people across the globe, and they put forth their ideas to the community through the channel or through the website. Then through arts, you can also think of getting into event management. Event management is a concept where you manage all the backend factors that are involved in managing the event. Like, aapko koi company approach karegi and they will in Delhi, we want to conduct a trade show. To aapko trade show ke liye aapko Pragati Maidan book karna hai. Uske liye aapko necessary approvals leke aane hai. Fir aapko electricity ka arrangement karna hai. You have to arrange for printing of passes. All those activities have to be managed by a event management company. तो ये भी बिग स्केल में इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है. इवेंट मैनेजमेंट आल्सो कैन बी जॉइन्ड बाय यू. साइकोलॉजी, यू कैन बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट एंड हेल्प इंडिविजुअल्स और कंपनी डिसाइड देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एचआर प्रोफेशनल्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, आर दोज पीपल हु आर द इंटरफेस बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी and the workforce. So let's say you want to join an Infosys, or you want to join TCS, or you want to join any government company. So there is a department by the name of HR. It does the job of recruiting people. They look for various selection criteria. So they will conduct interviews, they will conduct group discussion, some qualification examination also they can conduct, and then they will absorb you into the company. They will arrange for your training, induction, and they also decide on the various policy matters like leave policy and other policy matters. Okay. Then if you are very individualistic kind of person and you are very creative, let's say you can craft something or you can draw something. So there are various possibilities that you can think of becoming a commercial artist and have your own exhibition every now and then across different cities of the India or maybe across the globe. But uske liye aapko bahut passionate hona padega, and you have to be as famous as, you will become as famous as MF Hussain if your art is totally abstract and very creative. Okay, then the next thing that you can think of becoming is a content writer. So what is the job of a content writer? Content writer helps companies write content for their website, or maybe content for their brochure, content for various blogs. ठीक है, तो आपको आपके घर में जितने भी ब्रोशर, जितने भी अप्लायंसेज हैं, उसके जो ब्रोशर्स होते हैं, they are written by some content writer. Or if you read blogs of companies like Reliance and all, तो उनके different pages में जो content होता है, that is written by a content writer. ठीक है, सो यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश और सम अदर गुजराती और हिंदी लैंग्वेज, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू कन्वे थ्रू योर कंटेंट. देन डिजिटल मार्केटिंग, सो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग यू कैन हेल्प कंपनीज और इंडिविजुअल्स बिल्ड देयर वेब प्रेजेंस. उनका एक डिजिटल ब्रांड क्रिएट आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वेबसाइट, various search engine optimization techniques, then posting on social media like Facebook, having webinars on YouTube and other channels, Instagram.
So all those activities that you perform on the behalf of the client to create their web presence is digital marketing. So this is a big thing and it is going to stay for long. Then fashion designing and jewelry designing needs no explanation. Linguist and translator. Okay, so translator, I'll explain a bit that even tech companies are looking for people who can translate content. Okay, so let's say you have a website which is catering to the global clients, and some of the clients are in Switzerland, some of the clients are in China. So you need to translate your content into their respective languages. For that, you need certified translators. Another use of translator is that when there is a commercial transaction taking place, let's say you have gone to China or you have gone to Spain, where people don't speak English. Okay, so when you are getting into a contract, you need to understand that you as a client and they as a service provider, you are having no confusion in terms of the language. So you keep a translator, and that translator ensures that what you intend to send, what they intend to do, is one and the same. Okay, so translation ka bhi aap kaam kar sakte hain. You can become a translator. So I have shown you a couple of career options in each stream, science, arts, and commerce. The point is how to decide what is best for me or for my child. Okay, it was sabse challenging hai. Okay, and we are not here to give you the final word on it. Aapko khud ko decide karna hai aapke liye kya best hai. To uske liye kya techniques hai. ठीक है, तो जो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज टू डू लॉट ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो लेट्स से आई विल टेक अ केस स्टडी ऑफ वन पर्सन. तो कोई स्टूडेंट है आई थिंक जो अपना करियर के बारे में डिसाइड कुछ डिस्कस करना चाहता है, तो मैं उसका केस लेके टेक्निक समझाता हूँ. एनी स्टूडेंट हु हैज एस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग समथिंग, मे बी अ डॉक्टर और आईएएस ऑफिसर, प्लीज रेज हैंड. Any student who would like to participate? Okay, so I got a response from one student, Hetvi Modi, that she wants to become an IAS officer. She wants to know something more about IAS officer. Okay, so IAS officer, for that, after your graduation, you have to appear for a UPSC examination, Union Public Service Commission examination. So UPSC is a very nodal body which does the recruitment for various IAS and IPS positions across India. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि IAS officer बनने के लिए you should have this much percentage in your graduation. अगर आपका general awareness बहुत अच्छा है, you get a better score in your examination. तो आपको क्या arts choose करना चाहिए? उसके लिए आपको आईएएस ऑफिसर्स का जो स्ट्रगल है ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन, या जो बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनके लिए रिसर्च करिए. ठीक है, द बेस्ट थिंग टू डू रिसर्च ऑन इज इंटरनेट. ठीक है, यू कैन रीड बायोग्राफीज, जैसे केपीएस गिल थे. ठीक है ना, अभी पौंडीचेरी की जो गवर्नर हैं वो दिल्ली के पहले सीनियर डीजी थी, पता है आपको उनका नाम, लेडी, किसी को नहीं पता, चले दैट्स अ होमवर्क फॉर यू. तो आपको ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए जिस स्ट्रीम में या जिस करियर के लिए आप प्लान कर रहे हैं. लेट्स से यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, यू प्ले वेरी गुड क्रिकेट, आपको लगता है आप बेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, आपके लोकल क्लब में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, यू आर अ गुड बैट्समैन, बट आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस? जो चैलेंजेस है आज की डेट के अंदर, आप आईपीएल में खेलना चाहते हैं, आप नेशनल टीम के लिए खेलना चाहते हैं, उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, क्या आप उसके लिए मेंटली रेडी हैं? तो उसका आइडिया आपको कैसे लगेगा? व्हेन यू डू लॉट ऑफ रिसर्च, रीड बायोग्राफीज, इवन लिसन टू द इंटरव्यूज ऑफ दोज सक्सेसफुल पीपल इन दैट फील्ड. तो रिसर्च इज द फर्स्ट टेक्निक. ठीक है, डोंट डिसाइड ऑन वन पर्टिकुलर करियर राइट फ्रॉम डे वन. यू हैव टू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग ऑप्शन. किसी भी चीज के लिए ना भी नहीं है, किसी भी चीज के लिए हाँ भी नहीं करनी है. ठीक है ना,
अभी हेतवी ने कहा कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है, ठीक है ना, तो अभी उसको डिसाइड आईएएस ऑफिसर का नहीं करना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है. देन ग्रेजुअली इवन आफ्टर शी हैज टेकन साइंस शी कैन गेट इनटू यूपीएससी. बट यूपीएससी देने के लिए व्हाट इज द रीजन, वो आपको पहले सोचना पड़ेगा. यू हैव टू हैव डिस्कशन विद योरसेल्फ कि मैं वो क्यों करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ. द नेक्स्ट टेक्निक इज यू कैन इन्वॉल्व योरसेल्फ इन सम काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग इवेंट. जैसे सपोज करिए आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू वॉन्ट टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, आप किसी कंपनी के बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं. सो डू यू रियली थिंक दैट यू आर केपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड हैंडलिंग पीपल? क्या आपका ह्यूमन रिस्पॉन्स, आपके सॉफ्ट स्किल्स इतने अच्छे हैं? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व एंड वॉलंटियर फॉर एन इवेंट. आपके आसपास स्कूल में कोई लेट्स से एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो यू शुड गो एंड टॉक टू द ऑर्गेनाइजर कि मुझे ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के अंदर मुझे इतना पार्टिसिपेशन करना है. सो दे विल गिव यू अ चांस. मे बी यू कैन गो एंड मीट अ डॉक्टर. आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप किसी डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं आपके यहाँ पे कोई मेडिकल कैंप में मैं आपके साथ वॉलंटियर करना चाहता हूँ. तो आपको क्या होगा, वेन यू बिकम पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशन फॉर अ वीक और फॉर मे बी अ डे, यू गेट सम इनसाइट इन टू देयर लाइफ कि उनके लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉजिटिव हैं, क्या नेगेटिव हैं, आपको थोड़ा आइडिया लगेगा. ठीक है, यू कैन इंटर्न विद सम बिजनेस. इंटर्निंग इज टेकिंग अ ब्रीफ ट्रेनिंग विद अ कंपनी. ठीक है, तो आप लेट्स से आप यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप किसी सीए के ऑफिस में जाके वहां पे उनसे बोलिए कि सर मैं बुक कीपिंग में आपकी हेल्प करना चाहता हूँ. ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके जो अकाउंट्स आप मैनेज करते हैं डिफरेंट कंपनीज के, यू गिव मी सम डेटा एंड आई विल फीड दैट इनटू दिस सिस्टम. ठीक है ना, तो आपको ऐसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और जाके बिजनेस के लिए इंटर्नशिप के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तो आपको आइडिया लगेगा कि वेदर दैट करियर विल रियली सूट योर एप्टीट्यूड एंड योर एटीट्यूड. ठीक है, आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप आपके फैमिली के मंथली एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके रखिए, उसका एनालिसिस करिए. यू रिक्वेस्ट योर पेरेंट्स टू लेट यू मैनेज योर फैमिलीज एक्सपेंसेस ऑन अ मंथली बेसिस. तो आपको जब आप कोई चीज वॉलंटियर करेंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा. यू विल गेट मोर इनसाइट इनटू दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम और करियर. ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टेक्निक? थर्ड टेक्निक इज अ टेक्निक वेयर यू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड रिलेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे आई थिंक आई शुड बिकम अ डॉक्टर, तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली के अंदर या आपके रिलेटिव्स में कोई अगर डॉक्टर है या उनके एक्वेंटेंस में कोई डॉक्टर है, तो यू शुड गो एंड आस्क, टेक देयर अपॉइंटमेंट एंड आस्क रेलिवेंट क्वेश्चंस. आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन शुड आई डू, विच बुक्स शुड आई रेफर टू, मुझे कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, मुझे कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर कौन कौन से सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे. So this is something that will give you insight on the kind of efforts required, the kind of preparation required to get into that stream. Okay, you can also read and watch videos of interview of some professional in that field. Koi famous cardiologist hai ya koi oncologist hai, koi dentist hai, theek hai, ya koi famous cricketer hai, to aap unke interviews padhiye, unko observe kariye, to aapko idea lagega whether you will be fitting into their shoes or no after some time. Technique four is taking a feedback. That is my favorite one. You have to continuously take direct and indirect feedback from your friends, from your relatives and from your parents, especially your school mentor. आपके school में जो teachers हैं, आप समझ रहे हैं? उनके साथ जाके आप किसी एक teacher को आप आपका mentor बना सकते हैं. You can share your views on पर्टिकुलर स्ट्रीम. आप कह सकते हैं सर मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो सर आपको क्या लगता है मुझे किस किस चीजों पे इम्प्रूव करना है? वो आपको प्रॉपर फीडबैक देंगे कि बेटा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, तुम आर्टिस्टिक, तुम्हारा नेचर आर्टिस्टिक है, तुमको
कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए. तो ये सब चीजों से आपको आइडिया लगेगा कि वॉट आई थिंक एंड वॉट इज द फीडबैक ऑफ माई एक्वेंटेंस, आर दे मैचिंग और नॉट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फाइनली लेट्स से आपने दो तीन साल तक रिसर्च की, आपने सोचा कि मे बी आई शुड बिकम एन आर्टिस्ट और मे बी आई शुड बिकम एन आर्किटेक्ट और मे बी आई शुड बिकम अ क्रिकेटर. तो वो आप किस बेसिस में डिसाइड करेंगे? तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम प्रोफेशनल्स हु कैन एनालाइज योर इनेट पोटेंशियल, जो आपके अंदर इन बिल्ट पोटेंशियल है आप उसको फाइंड आउट. ओके, सो इन साइकोमेट्रिक टेस्ट देर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच दे विल टेस्ट यू, दे विल एनालाइज यू एंड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स टू एवरी क्वेश्चन. ये पेपर ऐसा होता है कि इसके अंदर देर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, ऑल दी फोर क्वेश्चंस कैन बी राइट, ऑल दी थ्री क्वेश्चंस कैन बी राइट, ऑल दी थ्री ऑप्शंस कैन बी राइट. इट रिफ्लेक्ट्स, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट योर थॉट प्रोसेस, योर क्रिएटिविटी, योर रीजनिंग कैपेबिलिटी. देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी. तो उन सारे एस्पेक्ट को वो लोग बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स जज करने की कोशिश करते हैं एंड देन दे गिव यू एन आइडिया कि मे बी द फील्ड ऑफ लॉयर विल बी गुड फॉर यू और मे बी यू कैन थिंक ऑफ बिकमिंग अ इंजीनियर. ठीक है, ग्राफोलॉजी इज अनदर साइंस विच टेक्स यूज ऑफ, विच मेक्स यूज ऑफ योर हैंड राइटिंग. सो द अंडरलाइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड ग्राफोलॉजी इज दैट इट बिलीव्स दैट योर ब्रेन मैप, योर एटीट्यूड, द थॉट प्रोसेस दैट यू हैव डिसाइड्स द वे यू राइट. आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं, आपका जो नीचे जी के नीचे बलून बनता है वो कैसा है, वेदर योर letters are inclined towards left or are they in the middle or they are inclined to the right. So based on that they decide or they find out your nature, your inner idea by looking at your handwriting, they give some idea. Okay, so these are the techniques that you can make use of to decide on your career. Aapko aapka final career abhi decide nahi karna hai, aapko sirf aapki stream decide karni hai using these five techniques. Technique 6 is a bonus technique. It's a Japanese concept in which it is believed that every person is born with a purpose. And it is the job of, or it is the duty of that individual to find out his or her purpose in life. So purpose, your actual purpose in life is intersection of so many factors. So on the outer level, if you see what you love to do and what you are good at, if both of them are matching, then it becomes your passion. ठीक है, आपको क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, but आप क्रिकेट अच्छा खेलते भी हैं, then maybe playing for the local country club can become your passion. ठीक है, तो आपको वो अच्छा भी लगना चाहिए और आपको वो आना भी चाहिए. ठीक है, तो इंडिया में तो हर किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है. But it doesn't mean that you are good at playing or you are good at fielding or you are good at wicket keeping. तो आपको कुछ ऐसी चीज, ऐसा passion ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों का intersection point हो. Then what you love and what the world needs. When we say world, that means the society or the enterprise or the economy of the world needs. अगर वो दोनों match करते हैं, ठीक है, जैसे आप IAS officer बनना चाहते हैं और India में IAS officers की need है, then it can become your mission that after my graduation I will get into UPSC. ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको analyze करना होता है और continuously throughout your life you will have to analyze so that you can find your ikigai. ठीक है, ikigai is your purpose in life. ठीक है ना, and what you are good at and what you can be paid for by the company or by the organization, it can be your profession. आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं और आप किसी आईपीएल टीम के लिए खेल रहे हैं, यू विल गेट पेड फॉर इट, सो दैट कैन बिकम अ प्रोफेशन फॉर यू. ठीक है, बोलते हैं ना हम लोग ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है. तो ये सारी चीजों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज इकीगाई. सो इट्स अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू ऑल ऑफ यू टू डिसाइड ऑन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकीगाई एंड व्हाट इज योर इकीगाई. ठीक है, सो दीज आर द सिक्स टेक्निक्स दैट यू कैन यूज. ठीक है,
एक छोटा सा वर्ड ऑफ कॉशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हेन यू आर डिसाइडिंग योर करियर, ठीक है, आप एग्जैक्ट करियर पार्ट डिसाइड नहीं करने वाले, अभी आप 10th के बाद में आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है ना, उसके लिए ये टेक्निक्स है, वेदर यू शुड टेक साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन दिस 6 टेक्निक्स. Okay, you should not totally decide on your marks. Just because you are getting very good score in maths or in science, you should not think of becoming scientist or a engineer. There should be other factors taken into consideration. ठीक है, अगर आप किसी डॉक्टर की फैमिली से हैं तो आपके रिलेटिव हैं या आपके खुद के पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, वो सब आपको क्या बोलेंगे कि तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा है, यू कैन बिकम अ डॉक्टर, दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, दोनों का अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क है, यू कैन मेक यूज ऑफ इट एंड यू शुड कंटिन्यू दैट प्रोफेशन. नो, यू शुड नॉट फॉल फॉर द पर्सुएसिव इन्फ्लुएंस ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हो सकता है दैट इफ यू बिकम अ डॉक्टर यू विल बी वेरी सक्सेसफुल एंड दैट कुड बी समथिंग दैट यू विल रियली लव टू डू एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, देन इट्स अ डिफरेंट केस. But just because your parents are businessmen or your parents are doctors, you should also become a doctor or a businessman. That is not the correct way of deciding your career. It could be one of the career. Now next thing, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बड़े-बड़े personalities हैं, रजनीकांत, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी. The moment you look at them, what comes to the mind is that they are earning in crores. And they are well renowned. So, what they achieved in their life, the money and fame that came to their life, is after having worked very excellently in their respective fields. So, unless until you work after the excellence, you are not going to get money and fame, not even by chance. आपको मेहनत करनी है, आपको इतना excellent perform करना है that money and fame will become byproduct of it. Your excellence in that stream should be such that money and fame will or is bound to come. It will follow your success. ठीक है, तो just because Rajnikant is earning in crores or Mukesh Ambani is doing business and is making crores, it doesn't mean that you should also become a businessman. ठीक है बच्चों, और ये बहुत common है. We get lot of influence from different movies, like 3 Idiot movie में there was some dramatic situation wherein we believe ki humko bhi aisa careless hona chahiye, we should also fall for only excellence, humko padhai kam karenge to bhi chalega, humko mazak masti karte rehna chahiye. So don't get into that idea. What is being shown in the movies, it may not be 100% correct. To get a real taste of what that career means, you have to go and meet the real people in that field. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यू शुड गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर, नॉट आमिर खान. आमिर खान इज नॉट द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू ऑन बिकमिंग अ डॉक्टर. इज दैट क्लियर? तो जो अपने स्ट्रीम में एस्टैब्लिश्ड है, उन्होंने कुछ अचीव किया है, यू कैन गो एंड टॉक टू देम, गेट अ बेटर आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर करियर. ठीक है, तो आपको ये 5-6 टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, और ये कुछ कॉशन के पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखते हैं तो आपका करियर प्रॉपरली डिसाइड हो पाएगा. ठीक है, नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स दैट इफ दे हैव एनी क्वेरी दे कैन आस्क इन द सेशन, दे कैन रेज देयर हैंड एंड यस बच्चों. If you have any doubt, you can raise hand.
पंचाल, कोई डाउट है बेटा? जयमे सिंह चौहान बेटा, कोई डाउट पूछना चाहते हैं आप लोग? ओके, यस जयमित बोलो बेटा। कोई डाउट नहीं है जयमित, आपने रेज हैंड किया, कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। ओके, सो कैन आई एंड दिस सेशन? कुछ समझ में आया? Okay, so we'll end this session. I would like to thank all the students and parents and the teachers and the coordinators of this school. Give them a brief presentation on career counseling. Thank you so much. Thank you, everyone.